नमस्कार दोस्तों, मेरी पिछली फास्टैग से रिलेटेड वीडियो में आपने काफ़ी कमेंट्स किए हैं, आपके काफ़ी क्वेश्चंस रहे हैं जिनका मैंने कमेंट से रिप्लाई किया है, अपनी तरफ से कोशिश की उनको सॉल्व करने की। तो दोस्तों, उन्हीं कमेंट्स को लेते हुए आज के इस वीडियो में हम फास्टैग से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फास्टैग को रजिस्टर करना सीखेंगे कि हम अपने फास्टैग को रजिस्टर कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले हमें टाइप करना है अपने ब्राउज़र में ICICI फास्टैग और वेबसाइट को ओपन करना है। दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे ऊपर लॉगिन और न्यू यूजर के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, बट हमें यहाँ पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये ऑप्शंस बैंकिंग अकाउंट के लिए दिए गए हैं। फास्टैग के लिए हमें वेबसाइट को स्क्रॉल करना है नीचे, जहाँ हमें अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिला है। दोस्तों, यहाँ से हम फास्टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मेरी पिछली वीडियो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें कस्टमर लॉगिन पर क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड करना है। और दोस्तों, नया टैब ओपन होने के बाद में हमें क्लिक करना है रजिस्टर पर और इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ हमें अपनी कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है। कस्टमर आईडी हमें अब SMS के थ्रू हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर रिसीव होती है। अगर आपको आपकी आईडी रिसीव नहीं हुई है तो आप फास्टैग के पीछे जो किट आई है उस पर कस्टमर केयर का नंबर है, वहाँ पे आप कॉल करके ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो टैग है वो पहले से रजिस्टर्ड है, तो मैं आपको स्क्रीन शॉट से आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी यूज़र आईडी डालनी है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और जैसे ही हम सबमिट करते हैं हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होता है। और दोस्तों, वो OTP हमें एंटर करना है, उसके बाद हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड रजिस्टर कर सकते हैं। और हमें कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने पड़ते हैं, उसके बाद दोस्तों हम सबमिट करते हैं और हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, हम रजिस्टर्ड यूज़र आईडी पासवर्ड से फास्टैग को लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमारे फास्टैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से होती है। यहाँ से हम टैग से रिलेटेड समरी, जो हमारी ट्रिप है, वो देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर सर्विस से रिलेटेड काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, जिस अमाउंट से हमें रिचार्ज करना होता है, मिनिमम हम 100 रुपीज़ से रिचार्ज कर सकते हैं। हमें अमाउंट डालना होता है और उसके बाद फिर हमें नीचे मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ क्वेरीज हैं उसको भी हम हेल्प डेस्क के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। और जो हमारे रजिस्टर्ड क्वेरी है हमने डाली हुई है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से हम अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक हमारी क्वेरी थी कि अगर हम फास्टैग को सेंटर में नहीं लगाते, लेफ्ट साइड या ड्राइवर साइड में लगा देते हैं, तो क्या हमारा फास्टैग वर्क करेगा या नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी चेक करा देता हूँ आपको, क्योंकि मेरी गाड़ी में अभी कोई भी टैग नहीं लगा हुआ, ना ही लेफ्ट में और ना ही ड्राइवर साइड में, राइट में और ना ही सेंटर में। सेंटर में दोस्तों, ये एक टैग है मेरा प्रीवियस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो डैमेज है। और दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक क्वेरी थी कि क्या हम अपने जो हमने टैग पेस्ट कर दिया है, लगा दिया है, स्टिक कर दिया है, उसको हम रिमूव करके दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे टैग डैमेज हो जाता है। दोस्तों, ये है मेरा फास्टैग जो आप देख सकते हैं, अभी तक मैंने स्टिक नहीं किया है, पाउच के अंदर ही है। और
इसे मैं दोस्तों ड्राइवर साइड में राइट साइड में लगा देते हैं, इसको स्टिक नहीं करते हैं, और चेक करेंगे टोल गेट पर कि ये काम करता है नहीं करता। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ टोल गेट पर। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि साइड में लगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। नाउ आवर टर्न, वेट वेट नॉट वर्किंग आई थिंक, ओपन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बिना स्टिक किए और बिना सेंटर में स्टिक किए और टेम्परेरी हमने साइड में फास्ट टैग को पुट किया लगाया है, और हमारी टोल्स की पेमेंट जो है वो हो चुकी है और हम निकल चुके हैं। चलिए दोस्तों यूटर्न लेके आते हैं। लगता है आज तो जाम ही जाम मिलेगा, किस्मत ही ख़राब है। एटलीस्ट हमारी ट्रेन आ चुकी है और देखते हैं अब की बार। नाउ दिस टाइम फास्ट, लास्ट टाइम कुछ टाइम लिया था बट दिस टाइम वेरी फास्ट। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने दो बार ट्राई किया विदाउट स्टिक किए और विदाउट सेंटर में लगाए इस फास्ट टैग को। सो क्वेरी रिजॉल्व, चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। हमारी जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है टैरिफ से रिलेटेड, कि अगर हम अप डाउन ट्रेवल करें, जैसे कैश से हम टोल पेमेंट करते हैं और अप डाउन 24 आवर्स का हमें टाइम मिलता है जिसके में हमें टोल चार्ज में कुछ छूट मिलती है, तो वो हमारा कैसे डिटेक्ट होता है। दोस्तों सबसे पहले हमें करना है लॉगिन, तो हम अपने यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद में हमारा लॉगिन पेज ओपन होता है, जहाँ पे हमें बी अकाउंट समरी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से हम एक्टिविटी सर्च कर सकते हैं जो हमने ऑनलाइन एक्टिविटी की है। यहाँ पे हमें हमारे कैशबैक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो भी हमारा कैशबैक होता है। और दोस्तों नीचे हमारी ट्रिप हिस्ट्री है कि हमने कब किस डेट में कहाँ पे ट्रिप किया है, कहाँ पे डिडक्ट हुआ हमारा चार्ज,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम डेट में दो डिडक्शन है और दोनों डिडक्शन में 65 65 का चार्ज किया हुआ है दोस्तों। वो इसलिए है क्योंकि इस टोल प्लाजा पे रिटर्न जर्नी की फैसिलिटी नहीं मिलती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है बट हर सभी टोल प्लाजा पे ऐसा नहीं होता है। आप नीचे देख सकते हैं कि जो मेरी प्रीवियस ट्रिप्स हैं 13 अक्टूबर जहाँ पे मेरी जो फर्स्ट ट्रिप है वो चार्ज किया गया है मुझे 45 रुपीज़, और जो मेरी सेम डेट में जो उसी टोल प्लाजा पर रिटर्न ट्रिप है वहाँ पे मुझे चार्ज किया गया था 20 रुपीज़। ये अमाउंट 20 रुपीज़ वो अमाउंट है जो 45 में ऐड करने के बाद में जो हम दोनों आने जाने का एक साथ टोल कटवा लेते थे कैश मोड में, तो रेस्ट अमाउंट जो बचता है वो हमारा रिटर्न ट्रिप में कट जाता है। इससे दोस्तों हमारा बेनिफिट ये होता है अगर हम कैश में वन साइड का टोल लेते हैं और हमें 24 आवर्स के अंदर रिटर्न ट्रिप करनी पड़ती है तो हमें फिर से फुल अमाउंट पे करना पड़ता है। और मान लो अगर हम एक बार में ही 24 आवर्स का रिटर्न ट्रिप भी कटा लेते और हमें 24 आवर्स के अंदर रिटर्न नहीं हो पाता, रिटर्न ट्रिप नहीं हो पाती, तो हमारा जो अमाउंट है उसका हमें लॉस होता है। बट दोस्तों फास्टैग में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास फास्टैग है और आप 24 आवर्स में बोथ साइड जर्नी करते हैं, रिटर्न जर्नी करते हैं, तो आपकी जो रिटर्न जर्नी होगी उसमें आपको फुल चार्ज पे नहीं करना पड़ता, ओनली आपको डिफरेंस अमाउंट आपका डिडक्ट होता है जो कि हमारे फास्टैग के थ्रू सेविंग हो जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ पॉइंट्स थे फास्टैग से रिलेटेड जिसे मैंने अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।